हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बच्चे की कैप लेकर आई हूँ। बच्चे की कैप कैसे बनाएंगे, 1 साल के बच्चे की है ये, 1 साल के बच्चे तक आ जाएगी। आप चाहे तो कम और ज़्यादा फंदे डाल के इसमें छोटे और बड़े बच्चे के लिए बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल मैंने आसान तरीका बताया है, बहुत सिंपल इसमें करना है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपने ये उल्टी और सीधी लाइन करके बनाना है। तो इसमें मैंने बेबी वूल ली है, एक मल्टी कलर है, एक प्लेन वाइट कलर है। आप कोई भी अपने पसंद से बना सकते हैं, प्लेन एक कलर का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 86 फंदे डाले हैं यहाँ पे, और ये मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। ये सॉफ्ट रहते हैं और स्ट्रेचेबल रहते हैं इस तरीके से, देखिए। तो जैसे बच्चे के सिर पे आप इसको डालेंगे तो उसको टाइट नहीं होगी ये, जब जैसे सिर बढ़ेगा तो ये जो है स्ट्रेच हो जाएगी इस तरीके से। तो 86 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हैं, 86 फंदे। उसके बाद मैंने ये एक उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर बनाया है, और बॉर्डर देखिए मैंने 10 या 12 लाइंस बनाई है बॉर्डर की, 10 लाइंस होंगी। उसके बाद एक लाइन सीधी एक उल्टी दोनों तरफ से बनाई है। यहाँ पे मैंने 8 लाइंस पहले इसी धागे से बनाई है जिससे बॉर्डर बना है, आप अपने हिसाब से बनाइएगा, यहाँ पे मैंने ये किया है। उसके बाद 6 लाइंस वाइट से, 6 लाइंस मल्टी कलर से। तो इस ये जो टोटल बना हुआ है देखिए, बॉर्डर से लेके और टोटल देखिए, ये 5.5 इंच के करीब है। ये देखिए 5.5 इंच से ज़्यादा है, ये देखिए इस तरीके से नापेंगे इसको। ऐसे नापेंगे तो 6 इंच के करीब है ये। तो अब देखिए इसमें हम फंदे ऊपर, हम इसकी जो है कटिंग करेंगे, फंदों की जो ऊपर गोलाई आती है कैप की वो बनाएंगे इसमें, और वो बहुत सिंपल है वो बताने जा रही हूँ। इतना तो आप कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है यहाँ से और यहाँ तक करना। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखिए इसको करना कैसे है, जो ऊपर कैप की गोलाई है वो कैसे आएगी इस तरीके से देखेंगे कैसे करेंगे। तो मेरे पास 86 फंदे हैं और उसमें मैं 7-7 फंदों को डिवाइड करके 7 फंदे के बाद 2 फंदों का एक करूंगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेरे 7-7 के बाद मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 फंदे बच रहे हैं। तो देखिए मैं कैसे करूँगी इसको। एक फंदा मैंने यहाँ से उल्टा बनाया है पहले, क्योंकि उससे जो लाइन है वो सीधी रहती है। तो एक फंदा उल्टा बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से 2 फंदों का एक करेंगे इस तरीके से। अब 7 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सीधी साइड है ये, और उसके बाद इस तरीके से 2 फंदों का एक करेंगे। फिर ऐसे ही आगे करते हुए जाएंगे पूरी लाइन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 फंदे बनाए, 2 फंदों का एक करेंगे। पूरी लाइन इसी तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट रो है कटिंग के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 फंदों का एक करेंगे। फिर 1, 2, 3 इसी तरीके से 4, 5, 6 और 7 इस तरीके से इसको करते हुए जाएंगे, 2, 4, 6, 7 और 2 का 1 1, 4, 5, 6, 7 ये बनाया और 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। तो ये पूरी लाइन हम इसी तरीके से बनाएंगे। फिर 2 का 1 करेंगे, हर 7 फंदे के बाद हमें 2 का 1 करना है। 8वें फंदे पे 1, 3, 4, 5, 6, 7 फिर यहाँ पे 2 का 1 4
पाँच छ सात। अब देखिए यहाँ पे सात किया, फिर दो का एक किया ऐसे, और लास्ट में आपके पास दो फंदे बचेंगे, उसमें से एक सीधा और एक में लास्ट का उल्टा बना रही हूँ, ताकि ये दोनों साइड से लास्ट के फंदे को मैं उल्टा ही बना रही हूँ, ये लाइन आएगी उससे हमारी सिलाई आसान हो जाती है। अब उल्टी लाइन में नहीं करेंगे घटाई, उल्टी लाइन को पूरा उल्टा बुनेंगे जैसा आप बुन रहे होंगे। अगर आप डिज़ाइन डाल रहे हैं तो डिज़ाइन की तरह ही बनाइए जिस तरीके से आप कर रहे हैं। मैं सिंपल में इसको बना रही हूँ, तो मैंने छः लाइन्स डाली हैं एक कलर से, तो हर छः लाइन के बाद मैं धागा चेंज भी करूँगी यहाँ पे, तो इस तरीके से ही आएगा। तो पहले पूरी उल्टी लाइन में बुन लेती हूँ इसकी। अब देखिए सीधी लाइन में आ गए, उल्टी लाइन तो हो गई, सीधी लाइन में फिर से ये पहला फंदा मैं उल्टा ही बनाऊंगी इस साइड से, और उसके बाद यहाँ पे धागा पीछे करके इन दो फंदों का एक करेंगे। हमने शुरू में भी किया था, यहाँ पे भी कर रहे हैं इस तरीके से। अब छह फंदों के बाद करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ। पहले सात फंदों के बाद हुआ था, अब छह फंदे के बाद यहीं पे दो का एक करेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहीं पे करा था पहले भी, इस तरीके से आएगी ये लाइन, और फिर छह फंदों के बाद करेंगे, एक दो तीन चार पाँच और छ। सातवें फंदे को इस तरीके से, सातवें फंदे में इस तरीके से दो का एक करेंगे। इसी तरीके से पूरी लाइन बनाते हुए जाएंगे, छह फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और छह। ये छह फंदे बनाए, फिर दो फंदों का एक करेंगे इस तरीके से। यहीं पे आपका पहले से हो रखा है तो उसी के ऊपर करना है, एक दो तीन चार पाँच और छह। ये छह बनाए, यहीं पे आपने पहले भी किया था इसके साथ, सातवें और आठवें फंदे को दो का एक। लास्ट तक इसी तरीके से करते हुए जाएंगे, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ लास्ट तक। ये देखिए यहाँ पे छह फंदे के बाद दो का एक किया ऐसे, और लास्ट में अब हमारे पास एक ही फंदा बच जाएगा, उसको मैं उल्टा बनाऊंगी, और उल्टी लाइन को पूरा उल्टा ही बनाएंगे, जैसा आपकी होगी वैसी बनेगी, उसमें कोई हम कटिंग नहीं करेंगे। अब देखिए फिर से हम सीधी लाइन में आ गए हैं इसकी, और मैंने यहाँ पे धागा चेंज करना है। छह लाइन्स हो गई है मेरी, क्योंकि इसकी पूरी हो गई है कटिंग की, अभी ये पांचवी लाइन है, और वैसे मेरी छठवीं लाइन ये पूरी हो चुकी है क्योंकि मैंने नीचे से बना रखा था। मैं यहाँ पे धागा चेंज कर लेती हूँ, तो पहला फंदा मैं उल्टा ही बना रही हूँ हर बार, चाहे मैं किसी भी धागे से बना रही हूँ तो पहला फंदा उल्टा ही आएगा इस तरीके से। अब धागा पीछे करेंगे और दो फंदों का एक करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे शुरू में भी कर रही हूँ दो फंदों का एक, तो इस तरीके से दो का एक किया। अब पांच फंदे के बाद करेंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब ये पांच के बाद दो फंदों का एक। अब पूरी लाइन में यही रिपीट करना है, पांच फंदे बनाने हैं, दो का एक करना है, इसी तरीके से पूरी लाइन को बनाएंगे लास्ट तक, और उल्टी लाइन उल्टी आएगी, तो एक दो तीन चार पाँच। ये पांच फंदे बनाए, फिर दो का एक ऐसे, फिर एक दो तीन चार पाँच और फिर दो का एक। तो ऐसे आपका ये यहाँ पे ये निशान बनता हुआ जाएगा, यहाँ पे ये जो धारी सी बनती है, लाइन सी बन जाएगी, इसमें आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आप दो का एक कर रहे हैं, इस तरीके से बनेगा। देखिए तो मैं लास्ट तक इस लाइन को कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में दिखाती हूँ क्या करना है।
ये देखिए लास्ट में चार और पांच, ये पांच फंदे किए, और फिर ये अब लास्ट में आपके पास, तो लास्ट में हम चार फंदे के बाद ही करेंगे, पांच के बाद नहीं करेंगे, अब लास्ट में चार की बात करेंगे इस तरीके से, और लास्ट का फंदा उल्टा। अगर आपके पास 86 फंदे हैं तो आपका इसी तरीके से आएगा जैसा मेरा आ रहा है, और अगर आपके पास ज्यादा या कम फंदे हैं तो आप उस हिसाब से इसको डिवाइड कर लीजिए, और मैं ये उल्टी लाइन बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। उल्टी साइड की लाइन हर बार मेरी उल्टी ही आ रही है, आपकी जैसी भी होगी उल्टी लाइन में कटिंग नहीं आएगी, उल्टी लाइन को आप ऐसी बना के कंप्लीट कीजिए। अब देखिए फिर से सीधी लाइन में आ गए हैं, पहला फंदा उल्टा बनाऊंगी ऐसे, और दो फंदों का एक करूंगी यहाँ पे ऐसे, अब चार फंदों के बाद करेंगे, एक दो तीन चार, और यहाँ पे दो का एक, इसी तरीके से हर बार करेंगे। अभी चार फंदे के बाद कर रहे हैं, फिर उल्टी लाइन बनाने के बाद, फिर तीन फंदे के बाद, फिर दो फंदे के बाद, और फिर एक फंदे के बाद, तो इस तरीके से मैं आपको करके दिखाती हूँ, एंड में लास्ट में बता दूंगी किस तरीके से आपने लास्ट तक करना है इसको। पहले अभी मैं चार के बाद कर रही हूँ, फिर तीन के बाद करूंगी, फिर दो के बाद, फिर एक के बाद, तो चलिए मैं ये करके आपको दिखाती हूँ कैसे होगा आगे। ये देखिए ऐसे करना है इस लाइन में, एक दो तीन चार, ये चार किया और चार के बाद दो का एक। अब नेक्स्ट लाइन में जो नेक्स्ट सीधी लाइन आएगी उसमें तीन के बाद करना है, उसके नेक्स्ट में दो के बाद, फिर उसके नेक्स्ट में एक के बाद, तो चलिए करके दिखाती हूँ कैसे होगा। और एंड में आपके क्योंकि फंदे कम होते जा रहे हैं तो एंड में आपने यहाँ पे कम फंदे के बाद करना पड़ेगा आपको, जैसे जैसे आपका कम होता जाएगा यहाँ पे, तो मैं दिखाती हूँ करके। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा घटा लिया मैंने, इस तरीके से आया है ये, ऐसे इसकी राउंड शेप आई है। और अब लास्ट में क्या करेंगे, अगर आपके पास कम फंदे हैं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर कम फंदे हैं तो आप इसको बंद कर दीजिए, और मेरे पास 18 फंदे हैं, मैं यहाँ पे हर फंदे पे दो का एक कर रही हूँ, ये देखिए दो का एक, फिर दो का एक, फिर दो का एक, फिर दो का एक, एक के बाद हम फिर से लास्ट लाइन में हैं, तो यहाँ पे हम दो का एक हर फंदे पे कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से, ये दो का एक और ये दो का एक, ये हुआ, और लास्ट का फंदा ऐसे ही बना देंगे, एक शुरू में और एक लास्ट में ऐसे ही बना है इस तरीके से। देखिए इतने फंदे बचे हैं, अब इनको हम एक सुई लेंगे और उस पे बंद कर देंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए ये मैंने धागा काट लिया, इस पे सुई डाल ली है, अब ये देखिए इस तरीके से इन सारे फंदों को सुई पे लेंगे ऐसे करके, ये ऐसे लिया और इसको खींच लेंगे, ये देखिए इस तरीके से इसका ये ऊपर का पार्ट ये बंद हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा बड़ी कैप बनानी है, यानी कि लंबाई थोड़ी और चाहिए, तो आप जैसे मैंने यहाँ पे 5.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा रखी है, आप 6 इंच 7 इंच रख सकते हैं, उसके बाद आप घटाई शुरू कीजिए, और ये इस तरीके से बनेगी, देखिए बहुत ही इजीली ये बन जाता है, और बहुत खूबसूरत इसकी ऊपर की गोलाई जो बनी है वो इस तरीके से ये बनी है। तो बाकी इसमें अब सिलना बाकी रह गया है, बाकी इसको सिलना है जैसे नॉर्मली हम स्वेटर सिलते हैं, यहाँ तक सिलेंगे, और उसके बाद इसकी ऐसे ये गोलाई आ जाएगी ऐसे, इस तरीके से बनेगा। आप इससे बड़ी चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा फंदे डालिए इस तरीके से, और इसकी ये जो है ऐसे आ जाएगा, और इसके ऊपर आप कोई फ्लावर या पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, पॉम पॉम लगा सकते हैं इसके ऊपर बना के छोटा सा, तो वो अच्छा लगता है इस तरीके से। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।